टॉल लाइट गाइस, अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ देखा होगा, और नहीं देखा है ना भाई, ये मैच देखो, लिटरली पूरा हिल जाओगे क्योंकि जो मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, हम जैसे ही यासना में उतरते तभी भाई हम लोगों को पता चल गया कि ये क्या सीन है भाई, उतरते ही गोलियां कैसे चलने लग गई हैं, और किल फीड देखते हैं तो भाई हमारी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बस तुम सबसे पहले टीममेट्स का रिएक्शन देखो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो भाई, जैसे कि हम लोग यासना में उतरे, हमारे साथ एक स्क्वाड भी थी, और रही बात कि हमें डाउट हो चुका था इस मैच में, भाई हैकर आ चुका है। अब हैकर कैसा आ चुका है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो मैं लूटना शुरू कर देता हूँ, और जैसे मैं लूटता हूँ, क्या चला रहा है कंटिन्यू, इधर की तरफ एक बंदा आता है। अब जरा किल फीड पे ध्यान दीजिएगा, किल फीड में तुम्हें भाई बंदा M16 से मारते दिखाई देंगे, ठीक है? अब मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को कि ये वाला मैच मैं साइनाइड के साथ खेला था, वो एक्चुअली में रैंक पुश कर रहा है, इसीलिए ऐसी लॉबी मिल जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर साइनाइड बोलता है कि हम लोग ना पीछे ये उड़न खटोले से उड़ के भाग लेते हैं, बट जब मैं उसे बताता हूँ कि एक बंदा वहाँ ऑलरेडी जाके बैठ चुका है, तो हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। तो हमने ये डिसाइड करा कि इस बंदे को यहाँ से मार के जाएंगे। और रही बात लॉबी की, किल फील्ड में बस नाम देते जाओ तुम लोगों को पता चल जाए कि भैया क्या गड़बड़ हो। बाकी एक मिनट बाद तुम्हें ऐसा सीन देखने को मिलेगा भाई, कसम से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, वो बंदा छुप चुका था, फिर मैं सोचता कि ऊपर छत पे जाता हूँ उस बंदे को स्पॉट करने के लिए, और जैसे छत पे आता हूँ यहाँ पर भी गोलियां चली, फाइनली मैं छत पे आया इस बंदे को स्पॉट करने के लिए, और तभी भाई यहाँ पर आया बहुत ही स्पीड में एक हैकर। मैंने टीममेट को कॉल दे दी कि भाई हैकर आ चुका है, हम लोग सारे के सारे जल्दी से भाग के घुस जाते हैं कमरे में। अब वो हैकर भाई देखो बिल्डिंग में घुसने में घबरा रहा था, ये गन देखो, किल फीड में देखो भाई उसने एक एम से उस वाली स्क्वाड को मार भी दिया सभी को, और हम लोग आके बैठ जाते हैं इस कमरे में और बस इंतजार कर रहे थे हैकर के आने का। और देखो हैकर आता है, कैसे आता है। तो गाइस जैसे ही हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते, तभी सबसे पहले मैप में देखा आप लोगों को ना बंदे का फुटप्रिंट दिखाई देगा। फाइनली मैप देखो, भाई हम लोगों की बिल्कुल फट चुकी थी। भाई साइनाइड बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि उसका तो माइनस हो रहा था, वो तो रैंक पुश कर रहा था, बट मेरा कुछ नहीं था। अब इसके बाद जैसे हम लोग मरे, सबसे पहले अब यहां पर हमें पता चलता है कि साइनाइड का माइनस नहीं हुआ है, उसका रेटिंग प्रोटेक्शन लग गया। बट अब तुम सबसे पहले हैकर को देखो, अब देखो मैं तो उस समय नॉर्मली बस इसे एक्सपेक्टेट कर रहा था, लेकिन जब उसके बाद मेरी टीम बताती है कि भाई चारों हैकर हैं, तो मैं इसको देखता हूं भाई, तो अभी दूसरा हैकर दिखा। जब मैंने तीसरे और चौथे बंदे को देखा तो वो हैकर नहीं थे। अब सबसे पहले मैं इस वाले बंदे को एक्सपेक्टेट करता हूं जिसने M16 से ही भाई स्क्वाड की स्क्वाड लपेट दी थी अब तक। और अब तुम बस सबसे पहले देखते जाओगे करता क्या है अभी। अब गाइस आगे चल के लिए एक ऐसा सीन आएगा इस हैकर का, तुम लोग देखोगे ना भाई, तुम्हें एकदम KGF टाइप की वाइब आएंगी भाई, तुमको लगेगा भाई ये क्या है। मतलब इस हैकर का जो टीममेट है ना वो नॉक हो जाता है, और बेसिकली दोनों टीममेट्स नॉक होते हैं एक बार, और ये अपने टीममेट्स को कैसे बचाने आते हैं भाई, वो सीन बड़ा ही कमाल का है। फिलहाल आप देखो इनका जो एक हैकर है ना वो तो बैठ बैठ के भाग रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है खड़ा होकर भागेगा तो बहुत तेज भागेगा, लेकिन ये वाला हैकर जो है भाई ये भाग रहा था खड़ा होकर। तो यहां पर तुम बस स्पीड देखते जाओ, इसको देखो ये बैठ के भाग रहा है, ठीक है? तो ये इतना स्लो भाग रहा है, और जैसे हम दूसरे पे स्विच करते हैं भाई जो कि खड़ा होके भाग रहा था, उसकी तो स्पीड देख के भाई मैं तो हिल गया। देखते जाओ बस, और भाई ये आता है यहाँ पर इस ड्रॉप पे, क्योंकि इस ड्रॉप पे शायद यहाँ पे बंदे थे, और देखो ये कैसे इस स्क्वाड को भाई मारता है सेकंडों के अंदर। मतलब देख रहे तुम कितना इजी है भाई इसके लिए गेम, काश इतना इजीली ये बैन भी हो जाए।
लो भाई सबको मार दिया। आई थिंक ये आखिरी बंदा बचा है। भाई इसकी स्पीड इतनी तेज है, इसका खुद पे कंट्रोल नहीं है। और गाइस आप लोग यकीन नहीं मानोगे, अपनी इसी स्पीड की वजह से ये अपने टीममेट को भी नहीं बचा पाता है। बस देखते जाओ अभी। सबसे पहले मैंने दोनों को रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद में मैं इनके नूबड़े टीममेट्स को भी देखता हूँ। अब यहाँ देखो, अब इसका हैकर का एक टीममेट नॉक फिनिश होता है, ये जाता है उसका बदला लेने के लिए। बाय द वे गाइस, जिन लोगों को मजा आ रहा है जल्दी से एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो भाई ऐसी गेम प्ले के लिए। लो भाई भाई देख रहे हो तुम, ये तो था जो एक टीममेट इनका मारा गया। अभी तुम देखना इस वाले बंदे को, जब इसका टीममेट नॉक होता है भाई ये कितनी स्पीड से जाता है। भाई कसम से इन्होंने लॉबी में ऐसा डर बना के रखा है कि लास्ट में दो तो तीन स्क्वाड अपने आप ही जोन के बाहर मर जाती हैं। कसम से वो आते ही नहीं जोन में। भाई धूड़ धूड़ के बंदे मारे जा रहे हैं, मतलब कैसे खेलेंगे बंदे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। भाई देखो कमरे के अंदर घुसने से पहले बंदा मर गया, तो ऐसे में भाई बंदे क्या ही करेंगे। अब यहाँ देखो गाइस, ये बंदा इधर जोन के बाहर भाग रहा था, अब जरा इसका टीममेट जो है ना फोर्थ नंबर, वो जैसे ही नॉक होगा तुम देखना भाई ये कैसा रिवर्स गियर मारेगा और कितनी स्पीड में भागेगा। ये देखो जैसे ही नॉक हुआ भाई ये जाता है उसको बचाने के लिए। ये वाला मूवमेंट लिटरली सबसे एपिक था, और यहाँ ये अपने टीममेट को बचा भी नहीं पाएगा वो कैसे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे इसकी स्पीड इतनी है, फिर भी क्यों नहीं, ये पहुंच जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड की वजह से इसका टीममेट मारा जाएगा। बस देखते जाओ। अब ये देखो गाइस, ये यहाँ पर अपने टीममेट के पास में आ गया इसको रिवाइव देने के लिए, लेकिन अब इसकी स्पीड इतनी फास्ट है ना कि उसको रिवाइव भी नहीं दे पाता। देखते जाओ बस तुम। देखो ये अभी भी रिवाइव दे सकता था उसको। ये देखो, ये देखो मर गया। भाई साहब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। अब इसके बाद देखो तुम, ठीक है ये कुछ बंदों को मारते हैं, और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज और दिखाऊंगा कि दो स्क्वाड होती है जो जोन के बाहर ही मर जाती है, भाई वो आते ही नहीं है जोन के अंदर। और गाइज भाई ये वाली स्क्वाड भी बड़े ही आराम से मार गई। बाय द वे गाइज एक बार कमेंट जरूर करना इस हैकर के लिए कि भाई इस हैकर के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे अपने दो शब्द। और हाँ इस वीडियो को लाइक करना चाहता है, क्योंकि अगर कोई भी इस वीडियो को देखे तो एक बार रिपोर्ट मारे ऐसे अगर हैकर हैं तो भाई प्लीज़ बैन हो जाए, क्योंकि ना तो चलती गाड़ी पर छोड़ रहे हैं ना जोन के बाहर छोड़ रहे हैं, और भाई घुस घुस के मार रहे हैं क्योंकि इनके पास हैं कुछ, समझ रहे हो ना भाई ताकतें। फाइनली आप देखो यहाँ पे कम बंदे बचे हैं, ठीक है अभी जब आठ बंदे बचेंगे मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, ध्यान से देखना ठीक है। वो तो गिर के मर गया। ये देखो ये मरा, और इन दोनों ने मिलके पूरी लॉबी खाली करी है भाई। अब इसके बाद में एक आखिरी बंदा होता है बग्गी वाला, जिसको ये बंदा मारता है, और उसके बाद में ध्यान से देखना कैसे चार चार बंदे जोन के बाहर मर जाएंगे, ठीक है। निकल जाए रुक। अब देखो गाइस यहाँ पर देखो अभी 10 बंदे, सबसे पहले चार बंदे प्ले जोन से जाएंगे, ये देखो 6 बचे हैं। अब जो बाकी के चार बचे हैं वो भी प्ले जोन से मर जाते हैं। अब उनको पता था यार कि हम लोग जोन के अंदर जाएंगे हैकर को किल देंगे, इसमें देखो वो चारों ही मर गए। और यहाँ पर एक डिलीशियस चिकन है, देखो मेरा तो कुछ माइनस नहीं हुआ क्योंकि मैं तो रैंक पुश अभी कर नहीं रहा हूँ जब तक न्यू मोड नहीं आ रहा, बट यार साइनाइड का माइनस होते होते बचा इस मैच में, क्योंकि आई थिंक वो समय टॉप 100 या टॉप 200 में था। तो अभी मैं अगर आप लोगों को रैंक पुशिंग का गेम प्ले चाहिए तो मैं साइनाइड के साथ आप लोगों को लाइक दे सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को भाई लाइक करना, चाहे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर फैलाना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, होप करता हूँ कि कोई अच्छा गेम प्ले आप लोगों को ला के दूँ, लेकिन तब तक गाइस ख्याल रखना अपना। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।